कैसे मैनेज कर पा रहे हैं आप? सांसद है, मूवी करना है, भोजपुरी मूवी भी करनी है, अभी आईपीएल भी किए थे आप। प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत इनकरेज करते हैं कला के क्षेत्र में। मोदी जी ने हमेशा कहा कि कला में बच्चों को एक रोजगार की तरफ इंस्टिगेट करो और अपने क्षेत्र में करो। वो सांसद सांस्कृतिक स्पर्धा करवाते हैं, वो उनको संगीत कला से बहुत प्रेम है। योगी जी को भी संगीत कला से बहुत प्रेम हुआ। जब ऐसे से हमको जाने, क्योंकि मैं उन्हीं की गद्दी की सेवा कर रहा हूँ गोरखपुर में, जहाँ पे वो माननीय सांसद रहे पांच टर्म योगी जी महाराज जी गोरखपुर। तो वहां पे क्या करता हूँ मैं, गोरखपुर में बच्चों को ट्रेन करता हूँ, थिएटर के कलाकारों को तैयार करता हूँ। 300 एक्टर्स को रोजगार अभी क्रिएट हो गया। अब वहां पे जितनी भोजपुरी फिल्में आप बन रही है इस वक्त, तो सब गोरखपुर में बन रही है। सब लोग वहां आ गए चूंकि मैंने वन विंडो क्लियरेंस दे दिया। सरकार बहुत पैसे देती है शूटिंग के लिए, सब्सिडी देती है और सुरक्षा व्यवस्था है। गोरखपुर बहुत सुंदर जगह बन गई। 14 एयरक्राफ्ट चलते हैं वहाँ पे, एयरपोर्ट है, झील है, जंगल है, थाना है, पार्क है, सब कुछ है। यू नेम द थिंग, 4 लेन 6 लेन रोड्स हैं, बिजली है, पानी है, सारी व्यवस्थाएं हैं। मेरा घर है, मैं वहीं घर अभी बना लिया, वहीं रहता हूँ मैं, चूँकि फिल्में वहीं करता हूँ, पैन इंडिया फिल्में अब मैं वहीं करता हूँ, शूटिंग करता रहूँगा चूँकि वही मेरी पहचान है, ये कैमरा मेरी पहचान है। सेवा करना है क्योंकि मुझे मदद करनी है, मेरी मदद किसी ने नहीं की थी जिंदगी में। मुझे लगता है मुझे अब सबकी मदद करनी है, अब मेरे पास पावर है। तो ये सांसद देव जनता ने बनाया, तो वो मदद करने के लिए बना है और ये थॉट के साथ मैं वहां पर। तो सर कितने बैटरी बैकअप चार्जर लेके घूमते हैं आप दिन भर? फोन करते रहते हैं, लोगों की समस्याएं हैं, लोगों की से आप सांसद हैं, आप 24 घंटे आपका फोन ऑफ नहीं रह सकता। आप अवॉइड नहीं कर सकते। अब आप आ गए हैं इसमें तो यू कैन सी कि मैं तो सुपरस्टार हूं या मैं स्टार हूं, और नहीं नहीं अभी नहीं मिलूंगा, अभी सो रहा हूं। तो आपको मिलना है, आपको समस्याओं को सुनना है, आपको कॉमन मैन से डील करना है। मेरे पास दुखी लोग ही आएंगे, मेरे पास कोई अमीर सुखी आदमी आएगा ही नहीं। जो तकलीफ में है, जिसको कुछ न्याय चाहिए, कुछ परेशान है, जिसको नली गली अपनी जिंदगी की चीजों को सुधारना है, जिसको स्कूल वगैरह व्यवस्थाओं को, किसी को बहुत सारी चीजें हैं, बहुत लोग हैं। इलाज के पैसे चाहिए तो पीएम से पैसे मंगवाता हूँ मैं, सीएम से पैसे मंगाता हूँ। कैंसर बड़े बड़े इलाज के लिए बहुत सारे पैसे मुझे प्रधानमंत्री देते हैं और वो मैं जनता की मदद करता हूँ। हिंदू हो, मुसलमान हो, बड़ी जात का हो, छोटी जात का हो, तो वो मकान दिलाना जो भी काम होता है मैं सब करता हूँ। तो वो मेरा काम। कैसे टाइम दे रहे? फिर कंप्लेन नहीं होती घर वालों से हमको टाइम नहीं दे रहे? क्या सी उनकी दुख को मैं आंखों में पढ़ लेता हूँ। लोग बोलते तो नहीं, बट यू हैव टू पे प्राइस। देखिए हर चीज को आपको प्राइस देनी पड़ेगी जिंदगी में, प्राइस तो देनी पड़ती है हर आदमी। मैं बड़े बड़े को या तो त्याग देना पड़ता है, या तो उनको आपके साथ रहना पड़ता है, या उनको आपको मिलने के लिए आना पड़ता है, या आपको कुछ घंटे आप मिल सकते हो, या कुछ अभी थैंक्स टू दिस मोबाइल की वीडियो कॉल पे देख लिया आप। बट आप ये तो समझौता आपको करना पड़ेगा, आप इतने सारे नाव में नहीं सवार हो सकते हो, नहीं तो आप गिर जाओगे। व्हाट इज वन इंटरेस्टिंग थिंग आपकी जर्नी के बारे में, जब मैं देखता हूँ ना कि रवि किशन ने कभी वो चीज देखनी कि रोल कितना बड़ा है, क्या है। आपने तेरे नाम भी किए, आपने वो टाइम पे बिग बॉस, पता नहीं किसी को क्या था, आपने बिग बॉस कर लिया। कभी भी आपने कुछ, I'm sure कुछ सोचा होगा आपने बैक ऑफ द माइंड? मैं सोचता नहीं, मेरा बेस्ट है कि मैं प्लानर, मैं थिंकर, मैं प्लानर। लोग कहते हैं प्लानिंग करना चाहिए लाइफ में, हो सकता है, मैं प्लानर नहीं। मैं जैसा भी, मैं अभी 1000% यहीं पर, मैं कहीं और नहीं। तो मैं जहाँ रहता हूँ पूरी एनर्जी वहीं झोंक देता हूँ। और शिव मेरे साथ रहते हैं, वो मेरे साथ चलते हैं शिव हमेशा, मुझे लगता है। वो हमेशा त्रिशूल लेके मेरे बगल में बैठे रहते हैं या मेरे सर पे बैठे रहते हैं, तो वो मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। गट फीलिंग से जाते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि कभी शायद कुछ गलत डिसीजन ले लिया तो क्या? जीवन में एक मिट्टी के घर से आप निकले हो, एक पुजारी के लड़के हो, आपको दुनिया ने जब आपको नकार दिया था, दुनिया ने आपको आप पर हंसती थी, जब आप सबके लिए लूजर थे, जब आपको लगता रहे ये पुजारी का बेटा, उसमें आप ऐसा स्ट्रॉन्ग की तरह निकलते और जिंदगी झंड बहा, फिर भी वो जो वहाँ आग अपने अंदर की, वो गुस्से को आप इस तरह निकालते और फिर अपनी एक इंडस्ट्री बना देते हो भोजपुरी की। मैं यहाँ का सुपरस्टार बन, खुद की इंडस्ट्री बना दी, लाखों लोगों को रोजगार भी दिया, लेकिन जलील किसी को नहीं किया, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, किसी के सामने कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं इसका गॉडफादर हूँ। खुद ही को बनाया मैंने, खुद ही को। शिव चलते रहे और उसने शक्तियां दी, उसने जिंदगी बचाई और मैं सामने आज बैठा हूँ। बट ऑल हिज एनर्जी, ऑल हिज पावर।
रेडियो सिटी, रग रग में दौड़े सिटी।